अच्छे कीमे के कबाब की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसे आप इफ्तारी में बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप इसे सर्व करें पुदीना नींबू प्याज और हरी चटनी के साथ। तो चलिए बनाते हैं कबाब की ये मज़ेदार रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम कीमा ले लिया है। कीमे को अच्छे से साफ करके वॉश करके मैंने छन्नी में रख दिया था। देखिए इस तरह से रूखा कीमा होना चाहिए तो पानी पूरा निकल जाएगा छन्नी में। नमक लिया है स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1/4 टेबल स्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला और 1/2 टेबल स्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स। अगर आप चिली फ्लेक्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लाल मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं या फिर आप इसमें कटी हुई 2 हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और एक छोटी सी प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करना है। तो बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून बेसन। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है और गैस को मैंने लो टू मीडियम रखी है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें कबाब को फ्राई करना है ताकि वो अंदर से कच्चे ना रहे। कर लेंगे और दोनों तरफ से कबाब देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो सभी कबाब हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। आप इसे सर्व करें नींबू पुदीना हरी चटनी और प्याज के साथ और इफ्तारी में आप इसे जरूर ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और